हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा और प्रीति सुपर स्टाइल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को लेके आई हूं एक बहुत ही अच्छा DIY, बहुत ही अच्छा होम रेमेडी, जिसको अगर आप यूज करेंगे तो अगर आपके ओपन पोर्स की आपके साथ प्रॉब्लम है तो वो आपके जो पोर्स है वो क्लोज हो जाएंगे, आपकी जो स्किन है वो टाइटन बनेगी, बेटर बनेगी और जो आपकी स्किन है बहुत ही अच्छी ग्लोई बन जाएगी अगर आप इस रेमेडी को डेली यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आज आपको एक ग्लिसरीन का बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ और बहुत सारे बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो को, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल पर गिव अवे भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने मेरा गिव अवे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके मेरे इस वीडियो को जरूर एक बार चेक कर लें। और चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की कंसिस्टेंसी थिक होती है तो इसलिए यहाँ पे आपको इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, ओनली 1/4 स्पून ही आपको इसको लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। ये मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। कोई सा भी एलोवेरा जेल, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें मैंने 1 स्पून एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुलाब जेल। रोज़ वाटर, जैसे कि आपको पता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, फेयर करता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है टोमेटो जूस। यहाँ पे 1 स्पून मैं टोमेटो जूस ले रही हूँ। आप चाहे तो लेमन जूस भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो। तो इन सबको अब अच्छे से आप मिक्स कर लें। इसके बाद यहाँ पे हम जो एक लास्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है विटामिन ई ऑयल कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल जो होता है हमारे फेस को बहुत ही यंगर बनाता है, ब्राइटर बनाता है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐड कर लूँगी इसमें। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एक सीरम टाइप का बन चुका है। इसे चाहे तो आप 5-6 दिनों के लिए भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि बार बार बनाने में आलस भी आता है, तो आप चाहे तो इसको बना के रख सकते हैं। और अब मैं इसको लगाऊंगी अपने फेस पे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर अभी कुछ भी नहीं है, विदाउट मेकअप मेरा फेस है। और अब मैं इस सीरम को अपने फेस पर लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इस सीरम को अब अपने फेस पे लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉटन पैड और इस कॉटन पैड को मैं इस सीरम में डिप करके, टैप टैप करके मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। ये आपके स्किन से डर्ट को रिमूव करेगा और एक्ने ब्लेमिशेस की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको भी रिमूव करेगा। और टैप टैप करके आपको अपने इसको फेस पे 2 टाइम आपको इसको लगाना है, 2 टाइम पूरे फेस पे आपको इसको अप्लाई करना है। और अगर आप इसे 1 डे छोड़ के भी, 1 दिन छोड़ के भी अगर आप इसे वीक में 2-3 टाइम्स लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत ही ब्राइटर बना देगा, यंगर बना देगा, फेयर बना देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। और इसको लगाने के बाद आपको इसको 2 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे ये मेरे पूरे फेस पे लग चुका है और अब मैं इसको 2 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैंने अब अपना फेस 2 मिनट्स के बाद वॉश कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ब्राइटर हो गई है, कितनी फेयर हो गई है। एक छोटा सा DIY जिसमें मैंने आपको बताया ग्लिसरीन के बहुत सारे फायदे। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हमारी स्किन को टाइटन बनाता है, हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको क्लोज करता है, ब्राइटन बनाता है। तो ऐसे ही DIY मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।